जिस तरीके से लगातार पिछले 68 डेज से हम लोग एक मूवमेंट इस कैंपस के अंदर चला रहे हैं, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि जो फी हाइक हुई है उसको रोल बैक इस प्रशासन को करना पड़ेगा, और इसी को लेकर पिछले इतने दिनों से एक लगातार लड़ाई इस कैंपस में एक स्टूडेंट्स कम्युनिटी कर रहे हैं। आज जब मैं यहाँ पे बात रख रही हूँ, एक बात बहुत एमिनेंटली कहना चाहूँगी कि जो अटैक कल जेएनयू में हुआ ये कोई आइसोलेशन में नहीं है। सबसे पहले क्रांतिकारी इस्तकबाल, फिर से मैं बोलना चाहूँगी जामिया के स्टूडेंट्स को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो ब्रूटली अटैक हुए हैं और इसको हर रोज़ फेस कर रहे हैं, और शायद ही कि 50 साल में पहली बार जेएनयू के कैंपस के अंदर ये हुआ कि आरएसएस के गुंडों के भेजकर एवीवीपी के साथ जो आरएसएस एफिलिएटेड प्रोफेसर्स हमारे कैंपस के अंदर है मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, और उसका शिकार हम में से बहुत कई लोग हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे जाऊंगी इसी बात पे कि कल हुआ क्या था, और अगर सबको ये लग रहा था कि कल का भी इंसिडेंट एक आइसोलेशन में है तो नहीं है। पिछले 4-5 दिन से कैंपस के अंदर वायलेंस को कहीं ना कहीं एकदम प्रमोट किया जा रहा था कुछ आरएसएस अफिलिएटेड प्रोफेसर्स द्वारा और एवीवीपी द्वारा। एक यूनाइटेड मूवमेंट जिस टाइम पे चल रहा है वहाँ पे बार बार कोशिश की जा रही थी प्रशासन द्वारा कि यहाँ पे मूवमेंट को तोड़ा जाए, किस तरीके से तोड़ा जाए और स्टूडेंट्स की यूनिटी को तोड़ा जाए। सबसे पहले कुछ दिन पहले एवीवीपी ने अपना पोजीशन लिया, जब जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के तरफ से एक कॉल आया डेमोक्रेटिकली हर एक जीबीएम के थ्रू, खंड वाइज मीटिंग के थ्रू, कि हम लोग एक बॉयकॉट रजिस्ट्रेशन के तरफ जाएंगे। एवीवीपी का क्लियर पोजीशन था कि नहीं, हम एक बॉयकॉट के तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन आखिरकार जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन बॉयकॉट रजिस्ट्रेशन का बात क्यों कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको एड्रेस करना इस कॉन्टेक्स्ट में। जेएनयू एसयू बॉयकॉट रजिस्ट्रेशन का बात इसीलिए कर रहा था क्योंकि एमएचआरटी का रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस को अपहोल्ड जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा था, और इसी का फ़ायदा जेएनयू वीसी जेएनयू प्रशासन ने उठाया कि ये जो डिवीजन एवीवीपी क्रिएट कर रहा है कैंपस के अंदर, उसी के द्वारा यहाँ पे वायलेंस करवाया जाए, गुंडों को भेजा जाए और लोगों पे अटैक करवाया जाए। और ये क्लियरली एक ऑर्गेनाइज अटैक था, क्योंकि जब वो लोग मार रहे थे लोगों को, नाम ले लेके मार रहे थे, लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे थे, और काफ़ी ऑर्गेनाइज ये अटैक था। परसों के दिन ऑलरेडी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स काफ़ी स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कर चुके थे, वहाँ पे उस टाइम पे जेएनयू एसयू के ऑफिस बेरस पहुँचे थे उस चीज़ को रोकने के लिए। जब रोकने पहुँचे थे तब जेएनयू एसयू के ऑफिस बेरस पे भी अटैक किया गया था, क्लियरली अटैक किया गया था। उस पे हम लोग ऑलरेडी प्रेस में स्टेटमेंट लेके आए हैं, और मैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन सतीश को मेरे सामने ऐसा हालत था कि जो जनरल सेक्रेटरी यूनियन को, उनको लिटरली लिंच करने जा रहे थे एवीवीपी के एक्टिविस्ट, और ये हालत हो गई, इतनी इम्प्यूनिटी इनमें आ गई है। जेएनयू टीएफ के नाम पे प्रोफेसर्स और डीन बन के बैठे एसआईएस में प्रोफेसर अश्विनी कुमार महापात्रा लोगों को खुलेआम और मुझे बोल रहे थे देख लेंगे तुमको, देखो कितने फायर करते हैं। तो दिस इज द इम्प्यूनिटी दिस आरएसएस एफिलिएटेड प्रोफेसर्स हैव इन दिस कैंपस। और इसके साथ साथ कुछ और प्रोफेसर्स कुछ टीएफ के बार बार स्टूडेंट्स को जाके घूसा मारे ओपनली स्कूल एरिया में, एंड दिस इज द रियलिटी इन द ब्रॉड डे लाइट। उसके बाद कल के बारे में हम लोग आते हैं। एज यूजुअल हम लोग अपना स्ट्राइक इम्प्लीमेंट करवा रहे थे, और एवीपी द्वारा फिर से वायलेंस कैंपस के अंदर शुरू हो गया। जब हो गया, जेएनयू एसयू का पहले से ही कॉल था कि जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन का जो पीस गैदरिंग साबरमती टी पॉइंट पे होना था, हम लोग उसको सॉलिडारिटी में ज्वाइन करेंगे, और हम लोग जब ज्वाइन किए उसको, तब तक कुछ लोग ऑलरेडी कैंपस के अंदर कुछ कुछ एरियाज में जाके वायलेंस अनलिश कर रहे थे, और कैंपस में ऐसा एक माहौल बना रहे थे जहां पे बार बार पोलराइजेशन हो और वो लोग उसका फायदा उठाए। लेकिन हम लोग एकदम क्लियर थे, और स्टूडेंट्स कम्युनिटी एकदम क्लियर था कि इस कैंपस के अंदर 50 साल में कभी भी वायलेंस का हिस्ट्री हुआ नहीं है,
हम अपने टीचर्स को भी सॉलिडरिटी दे रहे थे कि टीचर्स एसोसिएशन ने हमारे इस मूवमेंट में रॉक सॉलिड होकर हमारे सॉलिडरिटी में खड़े हुए हैं, और उन्होंने आगे बढ़ के हमें हर वक्त सिखाया है कि डेमोक्रेटिक तरीके से मूवमेंट को कैसे लड़ा और जीता जाता है। और हम लोग जब ऑफिस बेरस जे एन यू एस यू की तरफ से मैं और साकेत यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे, और शाम की वक्त थी कि शाम 6:30-7:30 की बात होगी, यहाँ पे 300-400 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे और हम लोग चाय पी रहे थे, यहाँ पे कुछ प्रोफेसर से बात कर रहे थे, एंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हियर एंड देयर दे वर टॉकिंग अमंग्स ईच अदर, एंड देन वी केम टू नो कि देयर इज अगेन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव विथ स्टिक्स विकेट हॉकी स्टिक्स आयरन रॉड्स गैदर्ड एट गंगा धाबा। और मैं अगेन ये वर्ड क्यों यूज़ की, सुबह के टाइम मैंने जब बोला, मैं रेफरेंस करना चाहूँगी कि स्ट्राइक हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे, एक दो इंडिविजुअल स्टूडेंट को अटैक किया गया था एवीवीपी के एक्टिविस्ट द्वारा, जो कैंपस के एवीवीपी के एक्टिविस्ट थे और कुछ अननोन फेसेस थे, स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी के तरफ जा रहे थे और वो विटनेस है, स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी के तरफ जा रहे थे उनको एड ब्लॉक के पास जो स्टैचू है जो अनवील नहीं हुआ है उस स्टैचू के पास कुछ लोग खड़े होके एक स्टूडेंट का फ़ोन छीना गया, एक मुस्लिम स्टूडेंट को गाली गलौज करके वहाँ से थप्पड़ मार के हटा दिया और ऐसे व्यवहार किया जा रहा था। उन्होंने इमीडिएटली आके जे एन यू एस यू रिप्रेजेंटेटिव को स्कूल एरिया में ये बताया कि जे एन यू एस यू शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू स्टॉप दिस। जब ये बोला गया हम लोगों ने ऑफिस बेरस ने इमीडिएटली वहाँ पर डिस्कशन किया और हमारा डिसीजन हुआ कि हमें इमीडिएटली पुलिस को ये बात इन्फॉर्म करनी चाहिए, एंड वॉट वी एज ऑफिस बेरस डिसाइडेड दैट एटलीस्ट वी शुड इमीडिएटली ड्रॉप अ टेक्स्ट टू दी SHO इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, एंड फ्रॉम माई फोन मतलब दैट स्क्रीन शॉट कैन बी सर्कुलेटेड एज अ प्रूफ, बिकॉज बहुत सारी बातें अभी उठ के आ रही है कि प्रोटेक्शन ये वो। मैंने अपने फ़ोन से टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज SHO को किया था, यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर है उनको किया था, जो ACP है उनको किया था, इमीडिएटली इसको बोलते हुए ऑन बिहाफ ऑफ JNUSU कि देयर इज़ अ गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट्स हु एंड अननोन सम फेसेस ऑफ द विद इन द कैंपस एट द एड ब्लॉक एरिया हु हैज़ बीन बीटिंग अप स्टूडेंट्स सिंस द मॉर्निंग एंड दे आर हैविंग वेपन्स लाइक स्टिक्स एंड अदर वेपन्स आयरन रॉड। द पुलिस शुड इमीडिएटली इंटरवेन एंड मेक श्योर दैट नो सच इंसिडेंट्स हैपन एंड दे शुड इंश्योर द सेफ्टी। और मेरा पर्सनल कम्युनिकेशन भी पुलिस के साथ हुआ था फ़ोन पे उसके आधे घंटे के बाद, जब पुलिस ने हमें ये अश्योरेंस दिया था कि नहीं मैडम सब कुछ ठीक है, हमने इन लोगों को हटवा दिया है, ये हमें बोला गया था कि इन लोगों को हमने हटवा दिया है। लेकिन क्लियरली जब 6:30 एक मॉब 60-70 लोगों का आयरन रॉड लेके कॉमन स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहरहमी से पीटने लगे, आप देख सकते इस जगह का शायद आप लोगों को एक इमेज मिला होगा कि JNU टीचर्स एसोसिएशन एक पीस प्रोटेस्ट गैदरिंग का यहाँ पे कॉल दिए थे और टीचर्स की यहाँ पे जो चेयर्स वगैरह थे सब टूटे फूटे पड़े हुए थे, लोग 70 लोग नकाब पहने हुए ब्लैक मास्क में आए क्लॉथ मास्क में, स्टूडेंट्स दौड़ने भागने लगे अपने जान के लिए, वो आए और बहरहमी से हम लोग जो देख सकते थे पीटने लगे। जब पीटने लगे मैं खुद टी पॉइंट पे थी टीचर्स इस प्रोटेस्ट में और चाय पी रही थी, मैं खुद मेरा हॉस्टल कोयना के तरफ है मैं उधर गई, जब मैं पहुंच भी नहीं पाई टी पॉइंट के एकदम लेफ्ट जब मैंने लिया एक कार वहां पे खड़ा है जिसको वैंडलाइज मेरे सामने किया गया है, उस कार के पीछे मुझे सिंगल आउट कर लिया गया, मेरे साथ मेरे संगठन के एक्टिविस्ट थे और मेरी बहन थी खुद जो कल ही घर से आई थी और मुझे मिलने आई थी कैंपस, हम तीन थे, माई सिस्टर लकीली एस्केप्ड आउट समहाउ एंड मी एंड फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन द एक्टिविस्ट वी बोथ वर सिंगल्ड आउट विद दैट कार आउट एट द साइड ऑफ द कार, और साथ साथ हम लोगों को 30 लड़कों ने घेर लिया एंड वी हैड नो अदर ऑप्शन। जब हमें घेर लिया पहला बारी आयरन रॉड का मेरे सर के ऊपर पड़ा एंड टिल देन आई वॉज शाउटिंग एट देम कि आप ऐसे नहीं मार सकते, आप यहाँ से हटिए, आप मार नहीं सकते इस तरीके से, एंड कंटिन्यूसली आयरन रॉड मेरे सर पे मारा गया, मेरे साथी के सर पे मारा गया और हम लोग दोनों नीचे गिर गए। उसके बाद घुसा और
hammer. I don't know what to call it, but this hammers were there in their hand. And I can't even explain how a frightening situation it was. Matlab, they were about to lynch us literally there. और बार बार गाली देके बोल रहे थे इन लोगों को आज यही कूट डालेंगे और काट डालेंगे, देखते क्या करेंगे। एंड सम ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड अस देयर एंड देन दे सेड कि यहाँ से भागो, इन लोगों को नहीं मारना था, ये भी टर्म यूज किया गया है। और उसके बाद मैं वहीं पे गिर गई बिकॉज आई वॉज हैवीली ब्लीडिंग। लकीली सम स्टूडेंट्स रीच देयर, I was rescued from there immediately with the ambulance and taken to AIIMS trauma center and then I was treated there. Lekin yahi cheez students ke sath hua hai, Dripta yahan pe khud baithi hai, uske sath parso ye ghatna hui hai. Jis tarike se AVVP ke activist video to kafi gaya bhi hai aap logo ke paas, khule aam logo ko threaten kiya hai, Apeksha ke sath same hua hai, Dripta ke sath, इनके ऊपर चढ़ चढ़ के ये कर रहा है। लेकिन व्हाट आई लिटरली वांट टू पॉइंट आउट हियर दैट देयर इज अ क्लियर नेक्सस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ जेएनयू दैट वी आर हैविंग। वो उस जगह पे मौजूद थे, हर एक जगह पे जहाँ पे वायलेंस हुआ है, और जब जब हमने सिक्योरिटी मांगा है वो कुछ नहीं किए हैं, सामने खड़े होके यही बोले हैं, मैडम हम क्या कर सकते हैं, आप अपने में लड़ाई मत करो। बात लड़ाई करने की नहीं थी, बात ये थी वी वॉन्टेड टू सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम मैन who were coming and unleashing violence on us with iron rods. And what are you telling us? Cyclops ne ek bhi kuch nahi bola wahan pe hame bachane ke liye. These mob went into Sabarmati hostel, vandalized rooms. These mobs went to other hostels and vandalized the rooms. Aur uske baad ye log jo students ko attack kiye the wo to hai hi, lekin clearly hum log एक बात जो जेएनयू एसयू की तरफ से मैं बताना चाहती हूँ कि आखिरकार ये गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, ये हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस का जो म्यूट स्पेक्टेटरशिप, उनको 2:30 बजे जब जेएनयू एसयू की तरफ से खबर मिलता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन है, तब वो 100 मीटर तब उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं किया। लेकिन जेएनयू एसयू का फी हाइक के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो जाता है तो मीडिया में ये बात फैल जाती है कि आप लोग अपने न्याय के लिए प्रोटेस्ट करना बंद कर दो। क्या ये न्याय हमारे ये जान, हमारा जान, इट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर ऑन अस एंड इट्स अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू मर्डर ऑन आवर लाइव्स। तो इफ यू आर आस्किंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम दिल्ली पुलिस, इफ यू आर आस्किंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम आवर इंटरनल सिक्योरिटी, इज इट दैट रॉन्ग? इज इट दैट रॉन्ग दैट आवर स्टूडेंट्स हैव बीन फ्रेंटिकली रनिंग अराउंड टू फाइंड सेफ स्पेस? एंड यही कुछ वीक पहले जामिया के साथ हुआ, जब स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर थे, उनके अंदर पुलिस घुस के पेरे में से टियर गैस चलाया, पीटा मारा। और हम ये मानते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारा सेकेंड होम है, ये हमारे लिए अपना घर है। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जेएनयू हमारा घर है, था और रहेगा। ये आरएसएस के लोग हमसे हमारा घर नहीं छीन सकता। अगर उनको लग रहा है कि एक डंडा जेएनयूएसयू को मार के वो भाग जाएंगे, तो मैं ये बार बार बताना चाहती हूँ कि नहीं, आप किसी भी तरीके से हमारी हिम्मत को तोड़ नहीं पाए हैं और हम लोग वापस आए हैं। कल जब मैं खुद हॉस्पिटल मेन गेट के तरफ से निकलने जा रही थी एम्बुलेंस में, वहाँ पे एवीवीपी के कुछ एक्टिविस्ट एसएल में पढ़ते हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट थे, खुलेआम खड़े थे। और मैं एम्बुलेंस से मुझे निकलना पड़ा ये बोलने के लिए मुझे वे आउट दीजिए, मुझे निकलना पड़ा व्हेन आई वाज ब्लीडिंग हैवीली, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा था। एंड ही सेड कि जो हुआ है सही हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने बोला मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, लेकिन मैं वापस आऊँगी, और वापस आके ये लड़ाई चलेगी, तब तक स्टूडेंट्स यहाँ के ये लड़ाई चलाएंगे। और मैं ये क्लियरली बोलना चाहती हूँ, आज जेएनयू जो लड़ाई ये लड़ रही है ये आइसोलेशन में नहीं है। लेट्स रिमेंबर रोहित वेमुला, प्लीज लेट्स रिमेंबर रोहित वेमुला, लेट्स रोहित वेमुला नॉट रिमेन अ स्लोगन फॉर अस। टुडे व्हाट जेएनयू इज फाइटिंग अगेंस्ट फी हाइक इज एग्जैक्टली नॉट टू पुश दिस यूनिवर्सिटी टूवर्ड्स मोर इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, and we are proud to fight about that and we will fight it out.
बिकॉज आज मैं बोलना चाहती हूँ कि जेएनयू को बार बार आइसोलेशन में देखा जा रहा है, लेकिन मैं जामिया के स्टूडेंट्स को और तमाम सारे स्टूडेंट्स जो कल सॉलिडरिटी में हमारे साथ आए उनको शुक्रिया करना चाहूँगी कि हमने दिखाया है इस सरकार को, इस आरएसएस के गुंडों को, कि आप अपनी हिंदुत्ववादी जो आपकी मनुवादी सोच है उसको आप रख सकते हो, लेकिन हमारे पास जो ताकत है वो हमारा संविधान है और उसके लिए हम लड़ेंगे और हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। तो उसके साथ साथ मैं जेएनयू, मुझे ये शायद आखिरी में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आई थिंक सो व्हेन आई वाज देयर इन द हॉस्पिटल यस्टरडे देयर वाज विशेस कमिंग कंटिन्यूअसली फॉर मी एंड द अदर पीपल हु वर ब्रूटली बीटन अप, बट आई वुड से आई वुड लाइक टू थैंक जेएनयू द ऑफिस बेयरर्स हु कंटिन्यूड द मूवमेंट देन ऑल्सो स्टैंडिंग स्ट्रेट एट द फेस ऑफ दिस आरएसएस एंड नेवर मूव्ड एन इंच बैक एंड टोल्ड एट देयर फेस कि एवरी आयरन रॉड दैट यू हैव बीटन अप स्टूडेंट्स विल बी गिवन बैक बाय आवर डिबेट एंड डिस्कशन, एवरी आयरन रॉड दैट यू हैव बीटन अस अप वी विल गिव इट बैक विद आवर डेमोक्रेटिक debate that we always put up and JNU's culture will not be eroded at any time soon. JNU will uphold this democratic culture in the years to come and this will be remembered in the history of students movement ki RSS के गुंडे जब आयरन रॉड से पीटने आए थे लोगों को, स्टूडेंट जब घायल हुए थे, JNU ऐसा संस्थान था जो उठ के अपनी डेमोक्रेटिक आवाज को बुलंद करते हुए उनके खिलाफ आवाज उठाई थी और वो बुलंद आवाज सस्ती शिक्षा, फ्री शिक्षा के लिए उठाई गई थी और इन लोगों की डिविजिव जो पॉलिसी है CAA ARC के खिलाफ उठाई गई थी और ये हिस्ट्री में जाएगा और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है जेएनयू कम्युनिटी पे और तमाम सारे साथी जो पूरे देश में आज लड़ रहा है कि ये लड़ाई यहाँ तक सीमित नहीं है, इस लड़ाई को आने वाले टाइम में लेके जाना है। लेकिन साथ साथ आज मैं मीडिया के सामने आई हूँ तो मैं ये बात बताना चाहूँगी, कल जो हुआ है अगर इस वाइस चांसलर के पास इतना भी मॉरल एथिक्स रहता तो अब तक रेजिग्नेशन दे दिया होता, लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो ये इंश्योर तो जरूर हम करेंगे कि उसका रिमूवल इमीडिएटली लिया जाए क्योंकि दिस इज नॉट टॉलरेबल एंड अटैक ऑन मी विद द आयरन रॉड इज एन अटैक ऑन द 8500 स्टूडेंट्स हु हैव वोटेड मी, हु हैव इलेक्टेड मी एज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी सच brutal attack that is happening on any student and the vice chancellor must resign himself or if he is not resigning the MHRT must ensure that he is removed from the position of vice chancellorship of Jawaharlal Nehru University aur iske sath sath bhi aane wale 8 tarikh ko ek student strike hai, aap logo se JNU ke community se bhi hum bolna chahte hain aur baki jo bahar ke students bhi aaj yahan pe hissa hue hai, hum 8 tarikh ko एक स्टूडेंट स्ट्राइक में जा रहे हैं, पूरे देश में एक स्ट्राइक करके इस आरएसएस के लोगों को दिखाते कि जेएनयू का जो फ्री एजुकेशन का मुद्दा है वो कोई सेक्लूडेड मुद्दा नहीं है। आज आईआईटी सेम चीज बोल रहा है, कल जब मैं एम्स में थी वहाँ पे जो डॉक्टर्स खुद इंटर्न्स है वहाँ पे आ रहे थे वो भी एग्जैक्टली ये बोल रहे थे कि आज जेएनयू ने जो आवाज उठाई है हम लोग सॉलिडरिटी में उसके साथ है और हम लोग एक साथ इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे एंड दैट्स द काइंड ऑफ सॉलिडरिटी वी हैव रिसीव्ड एंड दैट इज द काइंड ऑफ सॉलिडरिटी वी हैव टू बिल्ड अप इन द कमिंग डेज अगेंस्ट दिस फासिस्ट रिजाइम एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई बिलोंग फ्रॉम जेएनयू एंड आई विल बी कीपिंग सेइंग दैट व्हाटएवर माइट बी द सिचुएशन। और मैं बोल रही हूँ यहाँ से जो लोग भी वो आरएसएस के लोग सुन सकते हैं, चाहे वो अश्विनी कुमार महापात्रा हो चाहे वो तपन कुमार बिहारी हो, कि तुम कितने डंडे और लाठी उठा लो लेकिन तुम्हारे आंख में आंख डाल के बोलेंगे कि जेएनयू जैसा था 50 साल पहले जेएनयू वैसा ही रहेगा, तुम्हारा आरएसएस की गुंडागर्दी तुम जाके नागपुर में करना ये जगह नहीं है। और ये मैं बार बार बोलती रहूंगी और सामने आके बोलती रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, दैट इज द स्पिरिट जेएनयू हैज एंड दैट इज द स्पिरिट जेएनयू इन द कमिंग डेज विल अपहोल्ड। इसके साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।